नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों पैट कमिंस, जी हाँ आपको बता दें, पैट कमिंस ने आज वो तूफानी पारी खेली है जिसे देखने के बाद हर कोई हिल गया है। दोस्तों पैट कमिंस ने आज बेहद ही खतरनाक पारी खेली है और पैट कमिंस ने कई सारे बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पैट कमिंस का आज तूफान आया और पैट कमिंस ने अपने दम पर ही अपनी टीम को मुकाबला जिता दिया। और इस मुकाबले को देखने के बाद हर किसी का ये कहना है कि पैट कमिंस ने बिल्कुल केएल राहुल की तरह ही आज तूफानी पारी खेली और केएल राहुल की तरह तूफानी पारी खेलकर उन्होंने मैच को जिता दिया है। इसलिए आप सभी हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हां, आपको बता दें, आज पैट कमिंस ने दोस्तों एक बेहद ही तूफानी पारी खेली और सभी को केएल राहुल की याद आ गई, क्योंकि आज पैट कमिंस ने बेहद ही कम गेंदों पर ही अपनी 50 पूरी कर दी और इसके लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 गेंदों का सामना किया। 14 गेंदों पर ही उन्होंने 50 जड़ दी और इसके बाद उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपको बता दें, अभी तक आईपीएल में ये कारनामा करने वाले केएल राहुल थे जिन्होंने 14 गेंदों पर ही 50 जड़ी थी और ये कारनामा केएल राहुल ने 2018 में करके दिखाया था दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। लेकिन पैट कमिंस ने भी 2022 में ही ये कारनामा कर दिया है और पैट कमिंस ने भी सिर्फ और सिर्फ 14 ही गेंदों पर मुंबई इंडियन के खिलाफ एक बहुत ही धांसू अर्धशतक जड़ दिया है। और ऐसे में पैट कमिंस ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है केएल राहुल का और पैट कमिंस की ये पारी जिसने भी देखा सभी को केएल राहुल की याद आ गई। पैट कमिंस ने अपनी इस पारी के दौरान टोटल 15 गेंदों का सामना किया और इसी पारी में उन्होंने 56 रन जड़ दिए। आपको बता दें, पैट कमिंस की ये पारी रोमांच से भरी थी, तूफान से भरी थी। अपनी इस छोटी सी 15 गेंदों की पारी में पैट कमिंस ने 4 चौके तो 6 छक्के जड़े, यानी हर गेंद पर लगभग ये शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे। जरा देखिए पैट कमिंस ने कितनी बड़ी और रोमांचक तूफानी पारी खेली है और इस पारी को देखने के बाद सभी को केएल राहुल की याद आ रही है, क्योंकि केएल राहुल ने भी एक समय ऐसा था 2018 में जब दिल्ली कैपिटल के खिलाफ इसी तरह की कुछ रोमांचक सी पारी खेली थी और जिसने भी केएल राहुल की पारी को देखा था सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और लग रहा था कि केएल राहुल का ये जो 14 गेंदों पर अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड है वो कभी भी टूटेगा नहीं। लेकिन पैट कमिंस ने तोड़ दिया है और पैट कमिंस ने केएल राहुल की बराबरी कर ली है। इन्होंने भी 14 ही गेंदों पर 50 जड़ दी है और 15वीं गेंदों पर इन्होंने एक बार फिर से छक्का जड़ा और इस तरह से इन्होंने अपनी टीम को बेहद ही रोमांचक जीत दिलाई है। आपको बता दें, कोलकाता नाइट राइडर और मुंबई इंडियंस के बीच में मुकाबला खेला गया जहां मुंबई इंडियंस ने पहली पारी में 161 रन बना दिया था। अब कोलकाता को 162 रनों का टारगेट चेस करना था। ऐसे में कोलकाता को शुरुआत नहीं अच्छी मिली, एक तरफ से लगातार विकेट गिरते गए, लेकिन एक तरफ से एक युवा खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर टिका रहा तो वहीं अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, सैम मिलिंग्स, नीतीश राणा और आंद्रे रसेल ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 15 रन भी नहीं बनाया। अब इसके बाद दोस्तों पैट कमिंस आए थे और पैट कमिंस जब आए थे तो स्थिति बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये खिलाड़ी आज वो करेगा जो आईपीएल इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 ही गेंदों पर 56 रन जड़ दिया और इस तरह से 4 चौके और 6 छक्के जड़ने के बाद इन्होंने अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाई और वहीं वेंकटेश अय्यर भी टिके रहे एक साइड से और इस वजह से ये मुकाबला बेहद ही आसानी से कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गई। जिसने भी इस मुकाबले को देखा उनको केएल राहुल की याद आ गई। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।